हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल रेसिपी विद सीमा। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बेसन के लड्डू। ये काफ़ी टेस्टी बनेंगे और ये काफ़ी इजी है बनाने में। इस रक्षाबंधन आप ये लड्डू अपने घर में बनाइए और अपने भाइयों को खुश कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको एक लड्डू तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए ये लड्डू कितने अच्छे बने हैं और देखने में भी कितने अट्रैक्टिव बने हैं। चलिए इन्हें बनाना हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैं लूँगी फ्राई पैन में 4 चम्मच घी। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी घी। जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप बेसन। ये नॉर्मल बेसन है जो मैंने छान के यूज़ किया है और इसे मैं कंटिन्यू रोस्ट करूँगी घी में। घी की दरकार हमें और भी पड़ सकती है, लेकिन एक बार में आप थोड़ा सा ही लीजिएगा, दरकार पड़ेगी तो हम फिर लेंगे। इसे हमें 15 से 20 मिनट तक अच्छा से लो फ्लेम में सेकना है, जब तक बेसन का कच्चा फ्लेवर बिल्कुल चला जाए। इसे धीरे धीरे आप सेकते रहिए लो फ्लेम में, और जैसे ही आपको लगे कि बेसन ड्राई हो रहा है तो आप थोड़ा सा घी और डाल दीजिएगा। जैसे मुझे लगा ये ड्राई हो रहा है तो मैंने 1 चम्मच घी का यूज़ किया है। फिर मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ। ऐसे ही मैं इसे कंटिन्यू रोस्ट करती रहूँगी। बेसन रोस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए इसमें हमें थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है। इसे कम से कम 20 मिनट आप रोस्ट कीजिएगा। बेसन में अच्छी सी सौंधी सौंधी खुशबू भी आने लगी है और इसका कलर भी चेंज होने लग गया है। इसे ऐसे ही चलाते रहिए, दबा दबा के आप इसे भूनते रहिए। बेसन मेरा अच्छा से भुन गया है। मुझे अभी भी थोड़ा सा ड्राई लगा तो मैंने इसमें 1 चम्मच घी और ऐड कर लिया है। अब मैं इसे एक प्लेट में खाली कर लूँगी और इसे थोड़ा सा ठंडा करूँगी। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसमें ऐड करूँगी बेसन। मेरा जैसे ही थोड़ा ठंडा हो गया मैं इसमें डालूँगी चीनी। मैंने पीसी हुई चीनी का यूज़ किया है। मैंने 4 चम्मच चीनी डाली है और 2 इलायची कूट के मैंने डाली है। चीनी की क्वांटिटी आप कम बेसी कर सकते हैं, जितना मीठा आप खाना पसंद करें। फिर इसे मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पोर्शन आप हाथ में लेके इसकी गोली बना सकते हैं। ये आराम से मिक्स हो रहा है, इसके मतलब ये बिल्कुल रेडी है लड्डू बनाने के लिए। दोनों हथेली की मदद से आप इसे राउंड करके इसके लड्डू बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा से बन गया, इसमें कोई भी क्रैक नहीं आई है। ऐसे ही मैं अपने सारे लड्डू बना लूँगी। ये काफ़ी इजीली बन जाता है, इसे बनाने में कोई परेशानी नहीं होती है। मेरे सारे लड्डू बन गए हैं और ऊपर से मैंने इसे पिस्ता से डेकोरेट कर दिया है। आपको जो पसंद है आप उसमें डाल सकते हैं, पिस्ता, बादाम, काजू, जो भी आपको अच्छा लगे। मेरे बेसन के लड्डू रेडी है अब सर्व के लिए। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई।